ये समंदर के वो शहंशाह हैं जो पाकिस्तान के हर चाल को कर देंगे नाकाम। के वो शूरवीर हैं जो समंदर के मोर्चे पर रची गई साजिश को कर देंगे नेस्तनाबूद। ये भारत के वो वीर हैं जिनके फौलादी इरादों से दुश्मन खौफ खाता है। ये हिंदुस्तान के वो प्रहरी हैं जो सीना तान कर पाकिस्तान के बुजदिल फौज का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। समंदर के रास्ते पाकिस्तान की साजिश का अलर्ट मिलने के बाद भारत के रणवीरों ने मोर्चा संभाल लिया है और यलगार कर दिया है कि अगर समंदर के रास्ते पाकिस्तान ने एक कदम भी भारत की तरफ बढ़ाया तो पलक झपकते ही मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। पानी की लहरों के जरिए पाकिस्तान ने एक भी साजिश रची तो दुश्मनों को दलदल में ही दफन कर दिया जाएगा। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार जंग की गिदड़ भभकी दे रहा है। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान कच्छ के रास्ते घुसपैठ का नापाक प्लान भी बना रहा है, जिसे देखते हुए भारत ने अपने जाबाज कमांडो को रणभूमि में उतार दिया है। ये वो कमांडो हैं जो कच्छ के दलदल में दिन रात डटे रहकर पाकिस्तान की हर साजिश पर न सिर्फ नजर रखेंगे बल्कि दुश्मनों ने जरा भी हिमाकत की तो पलक झपकने से पहले ही ये कमांडो कर देंगे दुश्मन का काम तमाम। इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कच्छ के दलदल की रक्षा का मोर्चा संभालने वाले शूरवीरों के बारे में। आपको दिखाएंगे दुनिया की वो सबसे दलदली सरहद जिसकी हिफाजत करने वाले हैं बीएसएफ के वो जाबाज जिन्हें दुनिया क्रोकोडाइल कमांडो का नाम देती है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो कच्छ के दलदली इलाके में पाकिस्तान अपनी नापाक निगाहें डालने की फिराक में है। ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि सरहद पर पाकिस्तान एक बड़ा प्लान बना रहा है। ऐसे में भारत ने भी कच्छ के रण में रणभेरी बजाने के लिए अपने जाबाज कमांडोज को उतार रखा है। कच्छ की दलदली सरहद की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडोज की तैनाती बढ़ा दी है। कच्छ में कोहराम मचाने की साजिश रचने वालों को पल भर में मौत की नींद सुला देंगे भारत के जाबाज कमांडो। दलदली सरहद पर घात लगाने वाले दुश्मनों को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर देंगे बीएसएफ के ये बहादुर। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हरामी नाले को मोहरा बनाकर भारत की भूमि पर एक कदम भी रखा तो उनकी मौत तय है। क्योंकि हरामी नाले में वो योद्धा रणभेरी बजाने के लिए तैयार हैं जिनके फौलादी इरादों से दुश्मन खौफ खाता है। जो तमाम मुश्किलों से लड़कर
हिंदुस्तान की रक्षा में मुस्तैद रहते हैं, जिनकी निगाहों से बच पाना नामुमकिन है। यह है हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करने वाली बीएसएफ के जाबाज ग्रीक क्रोकोडाइल कमांडो, जो दलदल और झाड़ियों वाले इलाके में दिन रात चौकसी करते हैं। ना तो दुश्मन इनकी टोह ले पाता है, ना ही दुश्मन इनके वार से बच पाता है। ताजा सूरत हाल में कच्छ के मोर्चे पर पाकिस्तान लगातार साजिश का ताना बाना बुन रहा है। दलदल और समंदर के रास्ते पाकिस्तान किसी खौफनाक प्लान को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसे में बीएसएफ ने अपने सबसे जाबाज कमांडो फोर्स को कच्छ के रण में शंखनाद करने के लिए उतार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरामी नाला वाले इलाके में बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडो की अतिरिक्त टीमों की तैनाती की गई है। हरामी नाला दरअसल भारत पाकिस्तान की वर्टिकल लाइन से पाकिस्तान की तरफ से निकलता है। ये लाइन भारत की जमीन पर करीब 21 किलोमीटर चलने के बाद फिर पाक में घुस जाती है। भारत के लिए सरक्रीक का हरामी नाला इलाका सीमा पार से घुसपैठ के लिहाज से संवेदनशील है, लिहाजा यहाँ पर हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। जिस इलाके में क्रोकोडाइल कमांडो मुस्तैद है, वो कच्छ का इलाका पाकिस्तान से सटा है। यहाँ सुरक्षा का जिम्मा बीएसएफ के पास है। बाकी इलाकों के मुकाबले अरब सागर की निगरानी करना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल मिशन को बखूबी अंजाम दे रहे हैं क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो। एक तो मार्शी इलाका, दलदल पूरा उधर, और जमीन भी बिल्कुल ही जैसे मैंने कहा दलदल, उस चीज को मद्देनजर रखते ये जो कमांडोज हैं हर तरह के हर टेरेन में ऑपरेट करने की काबिलियत रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंता की बात है। क्रोकोडाइल कमांडो बीएसएफ के वो शूरवीर हैं जो समंदर में रहकर 2400 घंटे 365 दिन अरब सागर में नजर रखते हैं। अरब सागर में गश्त शुरू तो किनारे से होती है, लेकिन फास्ट स्पीड बोट में सवार कमांडो का असली ठिकाना होती है बीओपी, यानी बॉर्डर आउटपोस्ट। अरब सागर के हिफाजत के लिए बीएसएफ के पास कई तरह की बीओपी है। ये बीओपी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए एक से बढ़कर एक घातक हथियार से लैस है। समंदर में दूर तक नजर रखने के लिए बीओपी पर दूरबीन फिट है। रॉकेट दागने के लिए बीओपी पर रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। फायरिंग के लिए एमएमजी यानी मशीन गन तैनात है। हर बीओपी के पास 5 फास्ट स्पीड पेट्रोलिंग बोट्स रहती हैं। एक बीओपी पर 37 से 40 क्रोकोडाइल कमांडो की तैनाती रहती है। बीओपी पर तैनात क्रोकोडाइल कमांडो करीब 2 से 3 महीने तक समंदर में ही रहते हैं। समंदर के इन सिकंदरों को हर वक्त मुश्किल हालात में काम करना होता है। इन कमांडो को न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दुश्मनों से मुकाबला करना होता है, बल्कि कच्छ के रण में पाए जाने वाले सांप और बिच्छुओं से बचकर खुद की हिफाजत करनी पड़ती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो धारा 370 हटने से बौखलाया पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है। अब पाकिस्तान की एक ऐसी ही साजिश बेनकाब हुई है कच्छ के रण में। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ समंदर के अंदर से हमला करने का नापाक प्लान बना रहा है। पश्चिमी सीमा पर नापाक निगाहें, घुसपैठ की कोशिश में है आतंकी। कच्छ को बना सकते हैं घुसपैठ का निशाना। कीचड़ के रास्ते जमीन पर दस्तक, नेवी ने किया अलर्ट, बंदरगाहों पर मुस्तैद जवान। भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो पाकिस्तान को आतंक का खात्मा दिखने लगा। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में छाती पीट पीट कर रोना धोना शुरू कर दिया। दुनिया के किसी भी मुल्क ने इमरान को न भाव दिया, न ही इमरान की कोई बात सुनी। तो पहले इमरान ने भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दी, इसके बाद मिसाइल का परीक्षण कर भारत को डराने की कोरी कोशिश की। ऐसे प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, लेकिन इस बार आतंकिस्तान समंदर के रास्ते दलदली इलाकों से होते हुए भारतीय जमीन पर घुसपैठ करने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से एसएसजी के ट्रेन कमांडोज ने घुसपैठ की कोशिश की है। ये कोशिश कच्छ में हरामी नाले के रास्ते के पास की गई है। हालांकि खबर मिलने के बाद कच्छ के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ ही नेवी और कोस्ट गार्ड के जवानों को अलर्ट कर दिया गया।
इंडिया पर बाय द सी वे आतंकवादी टेररिस्ट अटैक होने की पूरी पूरी संभावना है, तो उस हिसाब से कच्छ पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एंड ईस्ट वो हाई अलर्ट पे है। मरीन कमांडोज का भी हम लोग उपयोग। हालांकि नेवी चीफ ने पहले ही समंदर से लगने वाली सीमा पर पाकिस्तानी कमांडोज के घुसपैठ की आशंका जताई थी। हमें इंटेलिजेंस ये मिला है कि जो जैश ए मोहम्मद का जो अंडरवाटर विंग है, एक वो जो ट्रेन कर रहे हैं इनको, तो ये ही एक चेंज है, पर हम अब निगरानी रख रहे हैं और आपको दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि पूरे सतर्क रहेंगे हम और कोई भी इनका जो इरादा होगा उसको ना सफल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठ कच्छ के रण और सर क्रीक इलाके में छोटी नावों के जरिए की जा सकती है। यही वजह है कि बीएसएफ, कोस्ट गार्ड साथ साथ मरीन कमांडोज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इतना ही नहीं, नेवी ने अपने सभी युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा है। जाहिर है पाकिस्तान की हर एक नापाक चाल को निस्त नाबूद करने के लिए हिंदुस्तान के वीर जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। टीम न्यूज नेशन। तो 22 किलोमीटर लंबा नाला इस इलाके में 8 किलोमीटर बड़ा दलदल बना देता है, जिससे दुश्मन आतंकियों के लिए घुसपैठ करने में आसानी हो जाती है। दलदली इलाका, नमकीन पानी के साथ विपरीत मौसम यहां जवानों की कड़ी परीक्षा लेता है। कहीं पानी, कहीं दलदल, कहीं पेड़, कहीं टीले, कहीं इंसान नहीं, दूर तलक सिर्फ पानी ही पानी। पल पल बदलता मौसम और बदलती पानी की धार, कुछ यही पहचान है कच्छ के रण की, जो भारत और पाकिस्तान की सरहद को बांटता है। और इसी में एक है हरामी नाला, जहां न्यूज नेशन की टीम पहुंची। ये नाला पाकिस्तान से होकर निकलता है, लेकिन वक्त के साथ इसकी चाल और फितरत बदल जाती है, इसलिए इसे लोग हरामी नाले के नाम से जानते हैं। नाले का जो नाम है उसे हरामी नाला क्यों कहते हैं? दरअसल ये नाम जो है वो सीमा पार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इसे दिया था, क्योंकि ये नाला वहाँ से निकलता है और उसके बाद जो है आगे यहाँ हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होता है। लेकिन इसकी जो फितरत है उसकी वजह से इसको ये एक गाली के तौर पर जो नाम है वो दिया गया, क्योंकि ये जो नाला है बहुत ही डिसेप्टिव है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आप इस नाले में एक दिन बोट लेकर जाते हैं, अपना रास्ता आइडेंटिफाई करते हैं कि चलिए यहाँ पर पानी जो है वो इतना गहरा है कि बोट चल सकती है या पैदल चल सकती हैं, इतना पानी जो है वो कम गहरा है, तो आप वो मार्किंग करके आएंगे, लेकिन आप अगले दिन लौट कर आएंगे तो वो जगह जो है वहां से आपको गायब मिलेगी, यानी कि उसने अपने नाले ने अपना रास्ता जो है ज़िगज़ैग मोशन में बदल लिया होगा। दरअसल हरामी नाले का इस्तेमाल पाकिस्तान घुसपैठ के लिए करता रहा है। हमें नाव के रूप में पाकिस्तान के घुसपैठ के वो निशान भी नजर आए जो हरामी नाले के पास आज भी नजर आ जाएंगे। पल पल बदलते इस इलाके में पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ ने फ्लोटिंग बीओपी यानी तैरने वाली पोस्ट तैयार कर रखी है, ताकि कोई भी इलाका पेट्रोलिंग से छूट ना पाए। जरा सोच के देखिए कि जब कच्छ का ये वाटर बॉडी से सराउंडेड क्रीक टेरेन होगा, तो ऐसे में सीमा के नजदीक आखिर बीओपीस कैसे बनाई जाएं? तो उसका जवाब है ये फ्लोटिंग बीओपी जो बीएसएफ ने तैनात की है। जी हाँ, इस वाटर बॉडीज में, इस तरह के टेरेन में सीमा के नजदीक टेरेन पर बीओपी बनाना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा मड्डी इलाका है, दलदली इलाका है, कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो है यहाँ बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर जो बेड्स हैं उन पर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि जमीन बेहद दलदली है। तो यहाँ पर इस तरह की फ्लोटिंग बोट जो है स्टेशन की गई है। सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए बीएसएफ का खास क्रोकोडाइल कमांडो का दस्ता तैनात रहता है, जो अक्सर इलाके में मॉक ड्रिल कर घुसपैठ से निपटने का अभ्यास करता रहता है। नाम की तरह क्रोकोडाइल कमांडोज का काम भी है, चाहे लहरें विकराल हो या दलदल, बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडोज हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पानी की गहराई हो या नमकीली हवाओं के थपेड़े, जवानों को इस कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है कि पानी के भीतर तैरना हो या हाई टाइड में लहरों से लड़ना हो, सब कुछ सिखाया जाता है। बीएसएफ अपने इन क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज को सघन ट्रेनिंग से जो है वो गुजारती है, और एक क्रोकोडाइल की ही भांति उन्हें उतना घातक बनाती है ट्रेनिंग के जरिए कि चाहे वो जमीन पर हो या फिर पानी के अंदर हो, हर परिस्थिति में वो दुश्मन के लिए काल बनकर टूटे, और इसीलिए इनकी एम्फीबियस नेचर के कारण ही इन्हें क्रीक क्रोकोडाइल जो है वो नाम दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ का ये वो इलाका है जहाँ ना तो इंसान बसते हैं और ना ही उनकी बस्तियाँ।
दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, ये जवान इस वीरान सरहदी इलाके में अपने फर्ज को जी जान से निभाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जागते हैं तभी देश चैन की नींद सोता है। कच्छ के रण से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। देश की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से लगा ये इलाका भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों पाकिस्तान इस इलाके से नापाक साजिश रचता है, ये भी जान लीजिए। देश की पश्चिमी सीमा का ये वो इलाका है जहां समंदर हर घंटे नया रंग बदलता है। यहां न सिर छिपाने को किसी पेड़ की छाव मिलती है, न हरियाली देखने को घास का तिनका। सरहद के इस आखिरी कोने पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं है। सरहद के रखवाले यहां सबसे बड़ी लड़ाई मौसम से लड़ते हैं, लेकिन इस इलाके में खतरे और भी हैं। लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले कच्छ के रण में सदियों से समंदर नमक का खारा पानी भरता जा रहा है, इसलिए इस इलाके में जिंदगी कभी पनप ही नहीं पाई। लेकिन सरहद का यह हिस्सा बेहद संवेदनशील है। यहां दुश्मन कभी आतंकी, कभी घुसपैठिए, कभी जासूस, तो कभी मछुआरे की शक्ल में घुसने की कोशिश करते हैं। दुनिया से कटे इस इलाके में बीएसएफ के जवान 24 घंटे हिंदुस्तान की सरहद पर मोर्चा जमाए बैठे रहते हैं। इसीलिए घुसपैठियों को पता है कि इस इलाके में घुसपैठ करना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इसी इलाके से पाकिस्तान हमेशा अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगा रहता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच समुद्री चैनल है हरामी नाला। हरामी नाला गुजरात के कच्छ प्रांत में है। ये इलाका पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सटा है, भारत से होते हुए पाकिस्तान की ओर निकलता है। भारत की जमीन पर 21 किलोमीटर लंबा है ये नाला। इसके बाद ये नाला पाकिस्तान में चला जाता है। इस इलाके में 8 किलोमीटर बड़ा दलदल है। यहाँ भौगोलिक हालात पाकिस्तान के पक्ष में है। पाकिस्तान की ओर सिंध में दलदली जमीन नहीं है। सीमा पार 10 किलोमीटर पर पाक का घनी आबादी का इलाका है। आतंकी मछुआरों की शक्ल में घुसपैठ की ताक में रहते हैं। ये वो सरहद है जिसकी निगहबानी आसान नहीं है। ये वो इलाका है जिसे पार करने के लिए अपने इरादों पर ही भरोसा करना पड़ता है। ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा संदिग्ध पाकिस्तानी नावें देखी जा सकती हैं। इसीलिए कश्मीर के बाद सबसे संवेदनशील सीमाओं में गिना जाता है।